आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश के बीच बादल फटने की घटना लगातार हो रही है। केदारनाथ एरिया में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई। पैदल मार्ग पर बादल फटने से मची तबाही के बाद चार धाम यात्रा को भी रोक दी गई। केदार घाटी को पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया है। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जल स्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। वहीं गौरीकुंड में हालत काफी ज्यादा खराब है। प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत की खबर भी है। बादल फटने की घटना में कई लोग लापता भी हैं। केदारनाथ में एक बार फिर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ और टिहरी के नौताड़ में बादल फटने से मंदाकिनी नदी उफान पर है। गौरीकुंड में भारी बारिश के चलते गरम कुंड भी बह गया। कई लोगों की मौत की खबर मिल रही है। चारधाम यात्रा को रोक दी गई है। आपको बता दें कि बादल फटने से उत्तराखंड में कई नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों से गिर रहा मलबा अपने साथ कई घर, कार, सड़कें बहा कर ले जा रही है। 4 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। बारिश से केदारनाथ मार्ग पर भीमबली चौकी के पास 20 से 25 मीटर का पैदल रास्ता बह जाने और रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आने से फंसे 200 यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सीएम हालात पर लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन से बात कर हालात की जानकारी ली। सिचुएशन को देखते हुए कंट्रोल रूम बनाया गया। रेस्क्यू के लिए NDRF और SDRF को लगाया गया है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक टिहरी के घनसाली एरिया में बादल फटने से 3 लोग लापता हो गए। SDRF ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें एक घायल व्यक्ति को 200 मीटर गहरी खाई से बचाया गया और बाकी 2 के शव बरामद किए गए। आपको बता दें कि घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है और मृतकों को जिला पुलिस को सौंप दिया गया है।